अदलिया में मुदाखलत का एक और बड़ा केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत, बताया सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से ऑडियो लीक्स केस में उन्हें पीछे हटने के लिए धमकियां दी गई। मुझे पैगाम दिया गया सर्विलियंस के तरीक़ेकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। पीटीए कार्रवाई का फोकस भी अदालती कार्रवाई को मुतासर करने के धमकी आमेज हरबा मालूम होता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में कहा और जो लीक्स केस में आईएसआई, आईबी, एफआईए, पीटीए, पैमरा और वजारतों को नोटिस किए गए। और तवील मुशावरत के बाद आज़ाद कश्मीर से मुतालिक अहम फैसले किए। एहतजाजी तहरीक के मुतालबात सुने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पार्टी का बिना इजलास से गुफ्तगू, बताया वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के आवाम के लिए 23 अरब रुपये का ऐलान किया। अफसोस की बात है कि इस एहतजाज में जानी नुकसान हुआ। आज़ाद कश्मीर के आवाम से मिलने में खुद चंद रोज़ में जाऊँगा। चंद अनासर की इस एहतजाज के दौरान अमन अमान को तबाह करना मकसद था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।